लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मारिया आलम के बयान पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के भतीजे और समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी ने पूरे इंडी गठबंधन को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्षी दलों ने नफरत की दुकान खोल ली है और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। आपको सुनाते हैं मारिया का वो बयान जिसने सियासी घमासान मचा दिया है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो अखिलेश ने इस मुद्दे पर अब जवाब दिया है, उस जवाब को सुनिए। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, और कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें।